कौशल के जबलपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मतलब है कि एक बार फिर से एमपी पानी पानी होने वाला है। तो वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। बता दें कि सितंबर महीने में ये चौथी दफा है जब मॉनसून सिस्टम एक्टिव हुआ है और उसी का नतीजा है कि एमपी में बारिश मूसलाधार हो रही है। भारी बारिश वाले जिलों की बात करें तो बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है जो अलग दो दिनों तक बना रहेगा। तो अगले दो दिनों तक यही सिस्टम बना रहने वाला है। तेज बारिश होगी और दो दिनों तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। यानी कि बारिश जाते जाते एक बार फिर से पूरे मध्य प्रदेश को तर बतर करने वाली है। अभी और बरसा बदलेंगे, इंतजार करिए। जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल में जोरदार बारिश होगी। अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी में भी मूसलाधार बारिश के आसार हैं। अगले दो दिनों तक एमपी के 16 जिले फिर से बारिश की तेज बारिश का सामना करने वाले हैं और मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में होने वाली है। तो वही मुंबई में जोरदार बारिश के बाद लोकल ट्रेनें पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशनों पर फंस गए हैं। वहां भारी भीड़ नजर आई। घाटकों पर रेलवे स्टेशन पर तालाब जैसा नजारा दिखाई दिया। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसके अलावा वहां के रेलवे ट्रैक भी पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दिए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ट्रेन का इंतजार करने के चक्कर में लोग घंटों तक स्टेशन पर ही फंसे रहे। स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर लोगों को भारी भीड़ जमा हो गई और किसी के पैर रखने की भी जगह नहीं बची। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और रेलवे ट्रैक में पानी भरा हुआ है, जिस वजह से ट्रेनों की जो रफ्तार है वो न सिर्फ धीमी हुई है बल्कि पूरी थम चुकी है।